हम बारूद हैं बारूद, हमें छूने की कोशिश करोगे तो जल जाओ। खेसारी लाल यादव का एक गाना आया है, गाने के बोल हैं नाच मलकिनिया, और इस गाने का जो है आज टीजर रिलीज हुआ है और एक दो दिन बाद ही इसका जो है फुल गाना रिलीज होगा हम भोजपुरी पे। तो चलिए जनाब, आज ये रिलीज हो गया है, इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं, इसका रिव्यू करेंगे। भाई गाना तो बहुत बेहतरीन है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि गाने में तकरीबन 20 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, तो भाई वीडियो देखकर भी लग रहा है कि खर्च किए गए हैं, क्योंकि हीरोइन के कपड़े भी अच्छे हैं और खेसारी ने कहीं कहीं जो कपड़े पहने वो भी अच्छे हैं। खेसारी की फ्लॉन्ट बॉडी भी अच्छी है, जहाँ पर वो शर्टलेस हैं और अपने एप्स को फ्लॉन्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन खेसारी ने ये क्या किया, पवन सिंह के नेवल वाला सिग्नेचर स्टेप वो खुद कॉपी करने लगे। जी हाँ, खेसारी के इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ही विवाद हो रहा है। अब कहा जा रहा है कि क्या खेसारी, जो कि दूसरों पर छींटा कसी करते नज़र आते हैं, वो खुद क्या कर रहे हैं। जी हाँ, अब जो कि खेसारी पे लगातार अश्लीलता के आरोप लगते आ रहे हैं, अब उस पर इस तरह के, जब उन्होंने पवन वाला स्टेप सिग्नेचर स्टेप कॉपी किया है, जहाँ पर वो आकांक्षा दुबे के नेवल को चूम रहे हैं, या वो क्या कर रहे हैं वो पता नहीं, लेकिन जो भी कर रहे हैं वो चूमते हुए ही नज़र आ रहे हैं, उसको लेकर भी विवाद हो रहा है। साथ ही खेसारी ने एक डायलॉग बोला है जो कि राजकुमार का है, वो तो बहुत ही दमदार है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि खेसारी की इस वक्त की जो सिचुएशन है उसे ध्यान में रखते हुए खेसारी ने ये डायलॉग बोला है अपने दुश्मनों को। जी हाँ, कि वो एक बारूद है, उनसे खेलने की ज़रूरत नहीं है। अब वो तो उनके दुश्मनों को उन्होंने हिंट दिया, चलो चाहे जैसे दिया, लेकिन खेसारी की एक बात पर फिर आलोचना हो रही है कि जिस तरह से खेसारी इस गाने में शराब का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे देखते हुए लोग ये कह रहे हैं कि आप संदेश क्या देना चाहते हैं समाज में। तो भाई उनसे हम ये कहेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री को ही क्यों, हमेशा भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक लेवल, एक मार्जिन क्यों तैयार किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें तो बॉलीवुड में बड़े धड़ल्ले से चल रही है। बॉलीवुड की हीरोइनें तो शराब पीकर बिकनी में भी डांस करती हैं, तो उसे अश्लील नहीं कहा जाता या वो किसी के लिए आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन खेसारी के साथ इस तरह का दुर्यम व्यवहार क्यों। लेकिन हाँ, आप किसी की जबान को नहीं रोक सकते, ना किसी की जबान पे ताला लगा सकते हैं। कहेंगे कि ये एक एंटरटेनमेंट का पार्ट है, ये हर एक इंडस्ट्री में होता है, फिर वो चाहे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो। यहाँ जहाँ आप बड़े बजट के गानों को पिक्चराइज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आती ही आती हैं, तो फिर ऐसे में ये सारी चीज़ें क्यों। वैसे बात जब भोजपुरी की आती है तो दुर्यम व्यवहार किया जाता है लोगों के साथ, लेकिन हम यहाँ ये ज़रूर कहेंगे कि ये गाना वाकई बहुत अच्छा है, एज अ पिक्चराइजेशन, एज अ डांस वाइज, क्योंकि गाने का नाम ये नाच मलकिनिया, तो यहाँ पर डांस की तो बात होगी ही होगी। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।